मैं खालिद खान सेवर्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नेटौर नगीना लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार ने नेटौर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। बिजनौर के सभी पत्रकार को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे पूर्व जज मनोज कुमार व कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आए आपका अवगत करा दे, पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर हर पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने लिए एवं अपनी पार्टी के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी को लेकर नगीना लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार द्वारा नेटौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पीपलसाना, मिलक मुकीमपुर, मिलक जहांगीराबाद, धक्का, कानपुर, मिलक सेधी, सेधा, दुगरी, मीमला, कश्मीरी, किराखेड़ी, बेरखेड़ा चौहान, बसेड़ा खुर्द, काकपुर, बल्ला शिरपुर आदि ग्राम में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया गया। आपको बता दें, पूर्व जज मनोज कुमार को नगीना लोकसभा क्षेत्र की जनता का भरपूर प्यार व सहयोग मिल रहा है। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार ने समस्त ग्रामवासियों से अपना वोट देकर इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करने के लिए अपील की। जनसंपर्क के दौरान सपा जिला अध्यक्ष अनिल यादव, विधानसभा अध्यक्ष नेहटौर मोहम्मद तुफैल, ग्राम प्रधान मिलक जहांगीराबाद राजेश कुमार, नसीम अहमद, वाजिद अहमद, काश्यार अहमद, ठाकुर विक्रम सिंह, जावेद अख्तर जिला महासचिव, राजपाल सिंह अंबेडकर, डॉक्टर मोहम्मद खादिम, हिसाब अली, महावीर यादव, वीरेंद्र प्रधान, अशोक कुमार, बशीर अहमद, सतपाल सिंह, नसीम प्रधान, ओम प्रकाश सैनी, वीरेंद्र कुमार, रोहित कुमार सैनी, भोपाल सिंह कश्यप, सुरेश कुमार कश्यप, जावेद अहमद, सलीम अहमद, विशाल कुमार, दिव्यांशु कुमार, रोहित कुमार, नाजिम कुरैशी, वसीम अहमद, शकील अहमद, मुस्तकीम मोहम्मद, शहजाद नईम, मोहम्मद एहसान, हाजी खुर्शीद अहमद एवं इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता पर पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। सर, आपकी पार्टी का नारा है कि परिवर्तन होगा, तो आप अगर सत्ता में आते हैं तो कितना परिवर्तन कर पाएंगे? तानाशाही सरकार को हटाना अपने आप में बहुत मुश्किल वाला काम है। सारे एक हो चुके हैं, भारत को धीरे धीरे अपने आक्रोश में लेते जा रहे हैं। भारत का संविधान हमारा खतरे में जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। इस मुल्क का हर एक आम आदमी डरा हुआ है सरकारों से, और जब सरकारों से नागरिक उसका डरने लगे तब समझ लीजिए कि लोकतंत्र की जो आग है, लोकतंत्र की चुनाव है, वो बढ़ने वाली है। आपको लगता है कि आप जैसे एजुकेटेड लोग ही सियासत में आने चाहिए या और तबके के लोग भी आने चाहिए? निश्चित रूप से भारत के संविधान ने सभी को अवसर दिया है इसका, लेकिन संसद में, पार्लियामेंट में या असेंबली में हिंदुओं के बाबत चर्चा पर चर्चा होती है। आम नागरिकों के लिए शिक्षक व्यक्ति अगर होता है तो जाहिर सी बात है उसके पास रोज विचार रहती है कैसे नीतियों को लागू कराना है, किस तरीके से आम आदमी के मुद्दों को उठाना है, और विचार विमर्श के दौरान पक्ष और विपक्ष आती है उसके लिए निश्चित रूप से उसका ज्ञान होना आवश्यक है। आप अगर नगीना से चुनके जाते हैं तो आप नगीना के लिए क्या क्या करेंगे? नगीना के लिए तो इसलिए अगर पूछा जा रहा है तो दो प्राथमिकता मेरी है। एक तो नगीना एक अलग से जिले बनाने की मांग है, और दूसरा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बनाना है। थैंक यू सर। एक अलग व्यवस्था बनाई जा रही है और गरीब गुरबों के लिए दूसरी तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है, जो कि भारत के संविधान निर्माताओं ने जिस तरीके की व्यवस्था बनाई थी 74 सालों में सारा ये सरकारें ध्वस्त कर दिया। सर, चंद्रशेखर का ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहीं जगह पर ये कहा है कि मैंने पार्टी से टिकट मांगा था और मुझे टिकट नहीं दिया गया, इस बारे में आप क्या कहते हैं? इसका जवाब राष्ट्रीय स्तर से आए नेता दें ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल मुझे आप लोगों के माध्यम से संदेश देना है, ये दिल्ली सरकार 2024 में जो भारत की सरकार वर्तमान मोदी सरकार योगी सरकार ये आज की तारीख में पूरे भारत में 2024 का जो चुनाव हो रहा है वो भारत के संविधान को मानने वाले लोगों के बीच हो रहा है, और भारत के संविधान का विरोध करने वाले लोगों का। कोई भी अगर व्यक्ति का प्रत्याशी आता है या आपको छोटे घर से आता है तो उसके विरोध में कहीं ना कहीं भाजपा से मिला। हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।